आज रस्त्यावरती आणलंय या लाडक्या बहीण म्हणून म्हणतात एकनाथ शिंदे, पण लाडकी बहीण खरोखर दुःखात आहे. हे तुमचे 1500 नको, लाडक्या बहिणीचं घर वाचवून द्या. तर एकनाथ शिंदे साहेबांना आम्ही भाऊ म्हणून तिथे हातावर तळ हातावर घेऊन नाचू. घोटाळा आहे, हा मोठा स्कॅम आहे, आणि गरिबांना आम्हाला रातोरात तिथे धमक्या द्यायला सुद्धा लोक फिरत आहेत की तुम्ही खाली कधी करणार, तुम्ही खाली करून जा, या तुटलेत बिल्डिंग, तुमचे जीव जातील. म्हटलं आम्ही इथेच मरणार आहोत, तुम्ही जरी तोडायला आलात ना तरी आम्ही घर सोडून जाणार नाही. तुम्हाला जर ही आमची जागा हवी असेल, एकदम टेन्शन में बीमार हो गए हैं, काम का भी बीमार नहीं लग रहा है, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का तो हार्ट हो गया है, दवाई के पैसे नहीं हम लोगों के पास, खाने के राशन के नहीं, हमारे शोहर बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए, हमारे औलाद लोग पैसे कैसे लाते हमें पता है. और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आप संभाल के रखने का, याद रखना अगर यहाँ 40 आज 41 बिल्डिंग टूटती है और ये सब लोग वहाँ से बेघर होते हैं, तो अगर कोर्ट का ऑर्डर है और वो चीज हो जाती है तो उसको हम रोक नहीं पाए, तब भी भविष्य में वहां पर वो आरक्षण बदली नहीं होगा, भविष्य में वहां पर डंपिंग ग्राउंड ही होगा. अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हुआ और उस जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, तो क्या महानगर पालिका के अधिकारी, क्या उन बिल्डरों के ऊपर प्रशासन दंडात्मक कार्यवाही करेगा? नहीं, वीडियो ये आवाज है, आवाज को बुलंद कीजिए, और आवाज को बुलंद करने के लिए वीडियो को आपको दबाकर शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा. आज के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम मुंबई के आजाद मैदान में हैं. आजाद मैदान आने की नौबत क्यों आई, तो विषय इतना बड़ा विषय है कि यहाँ लोगों के आशियाने गरोंद टूटने वाले हैं. आप सभी सुन रहे हैं मीडिया में, ये मामला काफी छाया हुआ है पिछले कई दिनों से, लगातार हमारे साथी चैनलों ने इसकी कवरेज की है और आप लगातार इस पर आपकी नजरें हैं. आपको मालूम है मामला है नालासोपारा आचोले सर्वे नंबर 38, और वहां का पूरा जो डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन जिसको बताया जा रहा है, आज वहां पर एक नहीं तो दो नहीं, पूरी 41 बिल्डिंग है, उनके लिए डेडलाइन आई है. आज 27 तारीख है, 28, 29 दो दिन छोड़ दिया जाए तो 30 तारीख को ये जितने लोग हैं, ये काफी कम लोग यहाँ पहुंच पाए, लेकिन काफी प्रभावित है, छोटे छोटे बच्चों का उनका यहाँ आना पॉसिबिलिटी नहीं, हम समझ सकते हैं. तो ये जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, उनके लिए डेडलाइन है आने वाले 30 तारीख को उनको घर खाली करना है, और 30 तारीख के बाद में महानगर पालिका ने बकायदा उधर नोटिस धमकी भी दिया है कि आप अगर घर खाली नहीं करोगे तो हम पुलिस बल लगाएंगे, और पुलिस बल लगाकर कोर्ट का ऑर्डर है, आपको वहां से निकाला जाएगा. अगर माननीय न्यायालय का ऑर्डर है तो उसमें हम भी कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन सवाल जरूर उठा सकते हैं, हमारा काम है, क्या माननीय न्यायालय की दिशा भूल नहीं की गई, एक सवाल बड़ा है. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि दिशा भूल क्यों नहीं की गई, कि आधी रात को अचानक से उधर रिजर्वेशन नहीं गिरा है, रिजर्वेशन कई सालों से है, उसके बावजूद सतत बांध काम होते रहे. इलीगल तौर पर ये जितनी बिल्डिंग है सभी बिना परमिशन की, सीसी वगैरह की जो लोड बेयरिंग है वैसी बिल्डिंग है. अब एक आम साधारण इंसान है, उसको लोड बेयरिंग क्या, परवानगी क्या, इतनी चीजें उसको नहीं मालूम होती. उसको मालूम होती है मैं घर खरीद रहा हूँ, उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके लिए मैंने बिल्डर को पैसा दिया है, उसको इतना मालूम होता है.
तो वहाँ वो बिल्डर को पैसा देता है, बिल्डर अच्छी अच्छी बातें बोलता है और एक एक के बाद एक 10 आदमी जब वो घर लेते हैं तो उसको एक उम्मीद जगती है कि हाँ ये बिल्डिंग भर रही तो हम भी यहाँ अपना आशियाना कर सकते हैं। और ऐसे ही जब कोई अपना घर बनाता है, चाहे वो 10 लाख की कीमत में खरीदे चाहे 50 लाख की, वो उसके लिए रकम कहाँ से जुगाड़ करता है ये हर आम आदमी खुद अपने आप में समझता है। अगर उसका ब्लैक का पैसा नहीं है तो ब्लैक का है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो आदमी साधारण काम करके पैसा किस तरह से, यहाँ कितनी महिलाएं हैं, आज जो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना शुरू है, ये लाड़की बहन की हालत है कि इनको लाड़की बहन को वसई विरार छोड़कर यहाँ आजाद मैदान पर आना पड़ा अपने परिवार को, लाड़की बहन के बच्चे भी है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री के वो भांजे हुए, भांजे भतीजे हुए, भांजे भतीजे को घर पर छोड़कर यहाँ इनको इस तरह से अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है और आज ये लोग इस उम्मीद में यहाँ आए हैं कि कोई इनकी बात सुने। वसई विरार में तो क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो वहां बात सुनने वाला कोई है नहीं, लेकिन शायद मंत्रालय में कोई इनकी बात सुने। इन्होंने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, जानते हैं इनसे कि क्या इनका कहना है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता रेखा त्रिपाठी मैडम है। रेखा मैडम, आज आपको यहाँ आने की नौबत आई, मैंने विषय वस्तु में सब बताया है लेकिन मैंने तो जो मुझे मालूम था वो बताया, आप बताइए कि क्या परेशानी है और किस तरह से ये लोग उसको सफर कर रहे हैं। ये लोगों के घर पे मैंने देखा चूल्हे भी नहीं जलते हैं। कई नेता लोग क्या करते हैं, इनको मदद के नाम पर झूठे पेपर देंगे, आज इस फॉर्म पे साइन करो, उस फॉर्म पे हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, जो बेचारे गरीब लोग हैं, गरीब औरतें हैं, इन लोगों को अंदर घुसकर धमकाया जाता है, इस पे साइन करो, पढ़ी लिखी नहीं है तो, जैसे अभी ये लोग हिंदी पढ़ती है तो अंग्रेजी में होगा तो क्या लिखेंगे, नहीं तो घर टूट जाएगा अगर साइन नहीं करोगे, हम तुम्हारी मदद करने आएंगे, पता नहीं क्या क्या पेपर साइन करवा लिए तो बाद में ही पता चलेगा। अभी मतलब नॉलेज आया तो कि कैसा फॉर्म था, मैंने कल देखा तो उसमें लिखा था हम भविष्य में तुमको घर देंगे, अभी बिल्डिंग को टूट जाने दो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ तो मैंने कहा भाई बहनों अभी दोबारा कोई पेपर साइन नहीं करना, तुम लोग गुमराह हो रहे हो, हम लोग सीएम से मदद मांगेंगे, जब वो हमारी इतनी फिक्र करते हैं, मोदी जी हैं, घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, बेटी बचाने के लिए पैसे देते हैं, बहन के खर्च के लिए पैसे देते हैं, तो हमको घर की भी सुरक्षा वही करेंगे, तो हम चाहते हैं अगर कुछ स्कीम अगर पास भी हुई हो तो हम देश का विकास, अपने राष्ट्र का विकास सब लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र है, कोई भी हर इंसान देश से प्रेम करता है तो हम लोग भी वही चाहते हैं, लेकिन हमको शिफ्ट किया जाए, पहले घर बना के घर दिया जाए, इसके बाद अपना जो भी विकास करना, हम खुशी से खाली करके जाते हैं ना, तोड़ने की क्या जरूरत है। तो ये पूरा महानगर पालिका को मोहरा बनाकर कुछ ऐसे लोग हैं जो गेम कर रहे हैं, इन लोगों को बेघर करके प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, हड़पने के बाद खुद टावर बनाएंगे, बेचेंगे, करोड़ों कमाएंगे, लेकिन इन लोगों की लाशों से गुजर कर दूसरा ये जलिया वाला बाग ये हमारा विजयनगर बनने वाला है। क्योंकि आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, हाँ तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कौन लोग? अरे बिल्कुल लगता है, अगर आपने रिट फाइल एक पक्ष, ऐसा कोई जज होता कि एक पक्ष का न्याय देगा, हमको पता ही नहीं कि हमारे घर पे किसको तोड़ने के लिए नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, डायरेक्ट डीएमसी को पार्टी क्यों जज ने, मतलब जिसने भी ये रिट किया, तो नगर पालिका को नोटिस पार्टी क्यों बनाई, हमारी बिल्डिंगों को पार्टी बनाना था, हर घर को पार्टी बनाना था, तो ये लोग जवाब देते थे, हाई कोर्ट जाते थे, इन लोगों को कुछ मौका नहीं दिया, मतलब ये हो गया भैया घर छोड़ो और हम लोग कब्जा कर ले, तो भू माफिया वाला काम है, तो नगर पालिका महानगर पालिका सिर्फ भू माफिया का काम कर रही है, लोगों को सुविधा देने के लिए महानगर पालिका होती है कि लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को सड़क खराब है, खड्डे खराब है तो खड्डे भरे, ऐसा नहीं करती है, बल्कि लोगों का घर छीनने का काम करती है, लोगों का घर बेघर काम करती है, और जितने भी मकान बने हैं, जितने भी फ्लैट बने, जितनी भी चौल बनी है, कम से कम 80% नाला सुपारा में अनलीगल है, जो बिना परमिशन के बने तो ऐसे ही नहीं बन ले, अगर आप परमिशन नहीं ले तो कोई बात नहीं, उनको इतनी रकम दे दो लीगल हो गए, आप खूब बनाओ, खूब फरो फूलो 15-20 साल तक, 15-20 साल बाद फिर हथौड़ा चलाएंगे, उनका इधर नियम बन गया, आज हम 40-41 बिल्डिंग वाले, इसलिए लोगों को पता चल रहा क्योंकि सब एक साथ में आ गए, लेकिन वहां पर हर 10 दिन में 10
20 लोग शिकार होते हैं कि पहले पैसा खाते, थोड़ा बहुत भी पैसा कम हो गया तो तोड़ने चले जाते हैं। तो नगर पालिका एक मतलब ना क्या बोलते हैं, माफिया है। माफिया उससे बड़ा कोई माफिया नहीं है, उससे बड़ा कोई बुरा नहीं है। अगर मैं सोचती हूँ उससे बड़ा कोई घोटालेबाज नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कमा कमा खाने का, वो गरीबों को खून चूसने का, और ये लोग बेचारे एक एक रुपए कमाते हैं तो उनको तकलीफ है। जान से प्यारे इन लोगों को घर है, जैसे हम लोग जान दे रहे थे वतन के लिए, ऐसे ये लोग घर के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला आप आवाज उठाओ, किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। जान दे दोगे तो लड़ेगा कौन, मर जाओगे तो लोग तो खुश हो जाएंगे, हमारा तो बिना कुछ किए काम हो गए। सरो मत, खूब लड़ो, खूब धरना प्रदर्शन करो, अपनी आवाज को बुलंद करो, मोदी तक जाओ। अगर इधर नहीं कोई सुनता दिल्ली चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरो मत, आवाज उठाओ बस। जब बांधी थी पैसा करके अभी कैसे बोलते हैं सबका पेट भरा है ना सर, सबका पेट भरा है ना। तो हम लोग गरीब लोग अभी 7-7 लाख रुपए दिए 15 साल पहले, अभी उधर का भाव हो गया 50 लाख रुपया, हम लोग कहाँ से लाएंगे? जब ये लोग दिखा नहीं था प्रशासन को डंपिंग ग्राउंड करके, डंपिंग ग्राउंड रहते तो लोग क्यों बांध नहीं दिए लोग, ये पहला सवाल है। हम लोगों की मांग क्या है? गोरखनाथ गुप्ता सर, सर ये तो जो रहने वाले हैं वहाँ गलती है लोग थोड़ी है सर, बीएमसी की गलती है। ये घर पट्टी हम लोग का है, लाइट बिल है, सब बीएमसी के कटा हुआ है सर। ये गलती रहने थोड़ी, पैसा हम लोग पैसा दिए सर, मेहनत करके कितना हम लोग कमाई करके सर, तकलीफ से घर लिए हैं सर। आप बीएमसी को पकड़ो, गलती की आप बीएमसी को पकड़ो ना, वहाँ जो वहाँ अपन बिल्डर है उसको बिल्डर का पकड़ो। रहने वाले की थोड़ी गलती है, 15-16 साल से जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी बर्तन घस के रिक्शा चला के सब वहाँ घर लिए हैं सर। बम्बई में सबके बस के पास थोड़ी घर, सब महानगर पालिका बहुत गलती काम कर दो, घर चाहिए सर, घर के बदले घर चाहिए सर, घर चाहिए सर। नाव सांगा। माझं नाव अर्चना रामचंद्र ओगले आहे, मी अर्चना रामचंद्र ओगले। काय विषय आज तुम्ही इकडे? आज आम्ही आमची घर तुटतायत आणि म्युनिसिपॅलिटी आमच्या मागे हात धुवून लागलेली आहे, आणि आज आम्ही तिथे 15-16 वर्षापासून राहतोय, पण आता म्युनिसिपॅलिटी आमच्या मागे का हात धुवून लागली हे आम्हाला काय माहित नाही। आम्ही त्यांना विचारलं तर ते म्हणतात आरक्षित जमीन आहे आणि इथे परमिशन घेतलेली नाहीये म्हणून आम्ही तोडतोय। पण आता ह्याच्यामध्ये आमच्या गरिबांची काय चूक आहे? इथे तर बिल्डिंग एका दिवसात तर कधी रातोरात बनलेली नाहीये, त्यावेळी जर बिल्डिंग बांधताना त्यावेळी म्युनिसिपॅलिटीचे जे पण अधिकारी आहेत या सगळ्यांना मी विनंती करते की मंत्रालयात मी एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करते की ह्या सगळ्या म्युनिसिपॅलिटीच्या साहेबांना पहिल्यांदा पुढे आणा की आज 10-20 हजार लोकांना गरिबांना त्यांनी छळलंय, आज रस्त्यावरती आणलंय या लाडक्या बहीण म्हणून म्हणतात एकनाथ शिंदे, पण लाडकी बहीण खरोखर दुःखात आहे। हे तुमचे 1500 नको, लाडक्या बहिणीचं घर वाचवून द्या, तर एकनाथ शिंदे साहेबांना आम्ही भाऊ म्हणून तिथे हातावर तळ हातावर घेऊन नाचवू, एवढं त्यांनी करावं आमच्यासाठी। हा सर्व बिल्डिंग कुठे आहेत? हे नालासोपारा विजयलक्ष्मी नगर मध्ये ह्या सगळ्या बिल्डिंग आहेत। 2009 पासून मी तिथे स्वतः राहते आणि आता 2012 मध्ये त्यांनी थोड्याफार बिल्डिंगी तोडल्या, पण त्याच्यानंतर आता जे 41 बिल्डिंग राहिल्यात त्यासाठी ती लोक एवढी मागे लागली आहेत की आम्हाला ही आरक्षित जमीन आहे, डम्पिंग ग्राउंड जमीन आहे। मला त्यांनी एकच उत्तर द्यावं की तिथे आचोला पोलीस स्टेशन आहे, आचोला रेल्वे स्टेशन येत आहे,
तर आचोला रेल्वे स्टेशनच्या शेजारी डंपिंग ग्राउंड येणार का ह्याच पहिलं उत्तर द्यावं. असं वाटतो इकडे काहीतरी घोटाळा आहे. हा मोठा स्कॅम आहे आणि गरिबांना आम्हाला रातोरात तिथे धमक्या द्यायला सुद्धा लोक फिरत आहेत की तुम्ही खाली कधी करणार, तुम्ही खाली करून जा, या तुटलेत बिल्डिंग, तुमचे जीव जातील. म्हटलं आम्ही इथेच मरणार आहोत, तुम्ही जरी तोडायला आलात ना तरी आम्ही घर सोडून जाणार नाही. तुम्हाला जर ही आमची जागा हवी असेल तर आम्हाला घराच्या बदली घर द्या. ही जागा तुम्ही बंगला बांधा नाही तर तिकडे ताजमहल बांधा, आम्हाला देणं घेणं नाही. पण आम्हाला आमच्या घराबद्दल घर द्या. आमच्या गरिबांचा पैसा आहे, आम्ही कर्ज काढून सोनं विकून आम्ही हे घर घेतलेलं आहे. आम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही. शेवट आम्हाला बाहेर जाऊन तरी मरायचंच आहे ना. आम्ही आमच्या घरात मरणार. मेरा नाम राजेंद्र कुमार धवन है. मैं जो है बी ए लक्ष्मी नगर में रहता हूँ. और हम लोग वहाँ पे जो है 2009 से बिल्डिंग बन रही थी, उसी समय हम लोगों ने लिया. आज 15 साल हो गए हम लोग को वहाँ पे रहते हुए. 15 साल के बीच में अभी इधर 2-3 सालों से महानगर पालिका जो है हम सभी लोगों को टॉर्चर कर रही है. हर 15 दिन एक महीने पे नई नई नोटिस लगा देती है. कभी लगाती है कि डंपिंग ग्राउंड है, कभी लगाती है सीवन बिल्डिंग है, कभी लगाती है कि ये बिल्डिंग जो है अवैध बनी हुई है. तो अब हम लोगों को तो ये नहीं मालूम कि कौन सी बिल्डिंग अवैध है, कौन सी जो है डंपिंग ग्राउंड है, कौन सी क्या है. हम लोगों ने जब खरीदा 2009 में तो उस पीरियड में एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनी थी. लगभग जो है 100-150 बिल्डिंग या जो भी वहां बनी है, आज की तारीख में 41 बिल्डिंग वहां मौजूद है. जब 41 बिल्डिंग आज की तारीख में मौजूद है तो उसको बनने में कम से कम तो 2-3 साल का समय लगा. 2009 से शुरू होकर 2011-12 तक बना होगा. महानगर पालिका उस समय आ गई थी 2009 के एंड में ही. 2009 के एंड में अगर आ गई थी नगर महापालिका तो उसने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया कि ये जमीन जो है डंपिंग ग्राउंड है हमारी. उस समय आम पब्लिक को, जिन लोगों ने घर खरीदा, उन्हें क्या मालूम कि ये जमीन डंपिंग ग्राउंड. अगर डंपिंग ग्राउंड है तो उसमें बिल्डिंग बननी ही नहीं चाहिए थी. हम लोगों ने जो खरीदा, हम लोगों ने यह सोच के नहीं खरीदा कि ये बिल्डिंग जो है डंपिंग ग्राउंड. हम लोग को मालूम होता तो हम लोग कभी भी नहीं खरीदते. लेकिन नगर पालिका उस समय कोई भी वो नहीं की, उनके अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, इन लोगों ने पैसे खा के रिश्वत खा के बिल्डरों को परमिशन दे के वो बिल्डिंग को सबको तैयार करवाया और आम गरीब लोगों को सस्ते दामों में उन्होंने दिया. छोटे छोटे कम कम इंस्टॉलमेंट में लोगों ने लिया, इसलिए कि उन लोगों का कहीं भी जो है उससे सस्ता मिल नहीं सकता था. बिल्डर जो है सस्ते में जब देगा तो हर आदमी बेचारा रहने आएगा. तो हर गरीब आदमी ने जो है वहां पे फ्लैट खरीदा उस समय. लेकिन आज की तारीख में यह है कि अब नगर महापालिका एकाएक शायद नींद से जाग गई है. मुझे लगता है उसकी या तो कुंभकर्ण की नींद, 6 महीने में कुंभकर्ण जागता था. नगर पालिका को 12-11 साल के बाद नींद टूटी होगी. अब नींद टूटी तो उसको नजर आया कि 41 बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पे इस रेट इतना हो चुका है जमीन का. तो उसने जो ये प्लान बनाया, माफियाओं को मिलाया और ये प्लान बनाया कि सबको घर से बेघर करो, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, अच्छे खासे जो है पैसे कमाओ और आपस में जो है बंटवारा कर लो. अब उसके बाद अगर ठीक है, हमारी तो एक ही मांग है कि उस समय जिन भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में ये सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उन सारे अधिकारियों को अदालत में खींचा जाए. हम लोग कौन से गुनाह किए हैं जिसके लिए कि मेरे ऊपर अदालत में केस हुआ, हम लोगों के ऊपर, कि आप लोग जो बिल्डिंग खाली कर दीजिए. और जब अदालत में हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में केस किया तो नगर महापालिका में वहां पे क्या रिश्वत हुई है, क्या हुई, आपस में पैसे दे के लेके उन लोगों ने केस को वन साइडेड एक तरफा कर दिया. हमारी केस की हियरिंग जो है 31 जुलाई पड़ी हुई थी और ऑलरेडी हम लोगों ने फरवरी में ही केस दायर किया हुआ था और 26 जून को हमारे यहाँ हाईकोर्ट के जज महोदय ने जो है एक तरफा डिसीजन दे दिया, जबकि हमारी कोई भी हियरिंग फरवरी से लेके 31 जुलाई के बीच नहीं हुई. अगर 31 जुलाई को हमारी हियरिंग थी तो 26 जून को डिसीजन कैसे दे दिया गया वन साइडेड कि ये जमीन जो है अवैधानिक है, इसको जो है खाली करा दिया जाए. तो मेरी जो है प्रशासन से मांग है और मेरी जो है ऑलरेडी एकनाथ शिंदे साहब से मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है, नगर पालिका के पुराने से पुराने जो भी अधिकारी दोषी हो या उस समय का जो भी डिपार्टमेंट का आदमी दोषी हो जिसके देखरेख में बिल्डिंग बनी है, उनको जो है कटघरे में लाया जाए और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए. हमारी बस यही मांग है. और घर के बदले हम लोगों को घर दिया जाए, घर के बदले घर चाहिए. अरे गोरखनाथ गुप्ता सर, आप क्या कहना चाहिए सर? ये तो है जो रहने वाले वहाँ गलती है लोग थोड़ी है सर, बीएमसी की गलती है. ये घर पट्टी हम लोग का है, लाइट बिल है, सब बीएमसी का कटा हुआ है सर. ये गलती रहने थोड़ी, पैसा हम लोग पैसा दिए सर, मेहनत करके कितना हम लोग कमाई करके सर, तकलीफ से घर लिए हैं सर. आप बीएमसी को पकड़ो, गलती की आप बीएमसी को पकड़ो ना. हाँ वहाँ जो वहाँ अपन बिल्डर है उसका बिल्डर का पकड़ो. हाँ रहने वाले की थोड़ी गलती है, 15-16 साल से जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी, बर्तन घस के रिक्शा चला के सब वहाँ घर लिए हैं सर. हाँ बम्बई में सबके बस के थोड़ी. हाँ
सब महानगर पालिका बहुत गलती काम कर दो, घर चाहिए सर, घर चाहिए सर, घर चाहिए सर। हेलो, जितना बोल सकते हो आवाज। आपका नाम क्या है? हमारा जिले का खातून नाम है। क्या कहना चाहिए आपको, क्या परेशानी? हमारे घर की परेशानी, हम अच्छे से रह रहे थे, उसमें लिए थे ये सोच के कि इतने अच्छे से रहेंगे, हम लोग परिवार है, नहीं था छत, छत ले लिया आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा पैसा देके। अब वो बोले टूटेगा नहीं, हम लोग अच्छे से खुश थे, पानी का था, लाइट का था, हम खुशी इतना खुश थे कि पूछने की बात नहीं। चलो हम लोग एक रहने के लिए छत हो गया, बिल्डर को भी नहीं मानता कि महानगर पालिका ऐसा लेके आएगी। उन्होंने छत बनाया, लेंगे गरीब में नहीं, सस्ते में मिल गया, हम लोग ले लिए, रहने लगे। अब इस दौरान ऐसा आया, नोटिस आ रहा, नोटिस पे नोटिस आ रहा, आज टूटेगा, कल टूटेगा, आप घर खाली करो। तो हम लोग कहाँ जाएं, घर के बदले कहीं सुविधा दे देते रहने के लिए तो बेहतर रहता। हम लोग इतना खुशी खुशी सस्ते में घर मिल गया, वहाँ ले लिए जाके कि चलो रहने मिल जाएगा। यहाँ पे सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, बच्चे लोग कैसे कैसे हम लोग करते हैं, कैसा हम लोग लाइट का बिल, कैसा पानी का सुविधा करते हैं। तो हमें आज एकदम से एकदम अच्छे से हो गया है, सब चीज का सुविधा हो गया। तो आज हम लोग को बेघर करके बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो, कब खाली करेंगे, ये नोटिस आती है, कल टूट जाएगा, जल्दी निकल जाओ, कहीं दे तो दे हमें। ये तो हमें पहले पता नहीं था कि महानगर पालिका का है, इनकी बिल्डिंग की जगह है, तो हम तो नहीं लेते बिल्कुल ना, उन्हें भी पता था, उन्होंने बना दिए, गरीब लोग ले लिए, सब लोग, पूरी बिल्डिंग भर गई, हम बहुत खुश रहते थे उसमें। लेकिन आज कोई चीज की हम लोग को सुविधा नहीं, सब तरह के कल आएंगे तोड़ने वाले। हम लोग को भी वही खौफ रहता है, रहे एकदम टेंशन में, बीमार हो गए हैं, काम पे भी दिमाग नहीं लग रहा है, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी को तो हार्ट हो गया है, दवाई के पैसे नहीं हम लोगों के पास, खाने के राशन के नहीं, जब हमारे शोहर बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए, हमारे औलाद लोग पैसे कैसे लाते हमें पता है। सुबह जाते हैं मजदूरी करते, इतना पढ़ने के बाद में, इतना पढ़ाने के बाद में हमने पैसे दे देके पढ़ाए हमारे औलादों को, हमारी बच्चियां काम करती हैं, इतने कम पैसे में जाके काम करते हमारे बच्चे, फिर लाते, फिर भी हमारा घर बचने को तैयार नहीं महानगर पर। आज हम आजाद मैदान में आए, हमारी सुनवाई ऊपर में जाएगी बोल के, फिर हमारा बच जाए बहुत बेहतर होगा। तो आपने इन लोगों की भावनाएं सुनी, किस तरह से लोग अपनी भावना बता रहे, ये कोई पॉलिटिकल बैनर के तले नहीं है कि इनको कोई समझा के पढ़ा के लिखा के पढ़ा के बराबर स्क्रिप्ट दे के आए कि आप चलो हमारे साथ, इनको ये कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है। जो पीड़ित है खुद आज यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ आजाद मैदान तक, और इन्होंने सब ने अपनी जो व्यथा है, पीड़ा है, वो बताई। साथ ही साथ यहाँ कई चीज़ें नई खुलासा हुई, जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा खुलासा होगा। खुलासा ये कि जो कहा जा रहा है अभी किसके पीछे किसी न किसी तरह की बड़ी साजिश है, तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में मुझे भी अब ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है इसमें बड़ी साजिश हो, एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो आप संभाल के रखने का, याद रखना, अगर यहाँ 40 आज 41 बिल्डिंग टूटती है और ये सब लोग वहां से बेघर होते हैं, तो अगर कोर्ट का ऑर्डर है और वो चीज हो जाती है, तो उसको हम रोक नहीं पाए, तब भी भविष्य में वहां पर वो आरक्षण बदली नहीं होगा, भविष्य में वहां पर डंपिंग ग्राउंड ही होगा। अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हुआ और उस जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, तो क्या महानगर पालिका के अधिकारी, क्या उन बिल्डरों के ऊपर प्रशासन दंडात्मक कार्यवाही करेगा? एक सवाल बड़ा है, क्योंकि आज इनको वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन आगे जाकर इनके ही हाथ में है। आज आरक्षण वहां पर डंपिंग ग्राउंड का है, कल को वहां पर रेसिडेंस जोन करके वो बिल्डिंग बना दी जाए बड़ी बड़ी। अगर ऐसा हुआ तो इनके साथ में बड़ा अन्याय होगा, और यही इनको आज महसूस हो रहा है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सब जो हुआ, इसमें एक बात कहीं पर भी नहीं आ रही है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, कोर्ट का ऑर्डर हम उसमें माननीय न्यायालय है, उसके बारे में हम कोई ये नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी गाड़ी कमाई वहां लगाई, अगर वो बिल्डिंग आज टूटती भी है तो उनको अपना पैसा भी, जिस बिल्डर ने इनको फंसाया, जिस किसी ने, मैं तो बोलता हूँ बिल्डर ही नहीं, महानगर पालिका अधिकारी, क्यों नहीं उनसे वो पैसा वसूल करके वो पैसा, इनका पैसा, इनके हक का पैसा इनको दिलाया जाए। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वीडियो ये आवाज है, आवाज को बुलंद कीजिए, और आवाज को बुलंद करने के लिए वीडियो को आपको दबाकर शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।
नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।